फिर खेरे होंगे और ठीक ठाक होंगे आप। जैसे कि मैं हूँ मीर हफीज़ बिरोई, मोटिवेशनल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो देखते जाएं। जैसे कि मैं एजुकेशन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ, कल भी दिया था, कल भी इस बारे में बातचीत किया था मैंने, आज भी वही इसी बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आई हैव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, काफ़ी लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। आज मैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ने एक फैसला कर लिया है कि वीडियो को आखिर तक देखता जाइए। हायर कौन सा फैसला किया है हायर एजुकेशन कमीशन ने, एक वालों ने जो फैसला किए आज आप लोगों में बताना चाह रहा हूँ कि वालों ने ये फैसला किया, बैचलर साइड 2 ईयर्स कॉलेज साइड जो बैचलर कर रहे हैं, 2 ईयर्स कॉलेज साइड जो बैचलर कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। वो अब ख़त्म हो चुका है। बीए बीएससी जो कॉलेज साइड कर रहे हैं 2 ईयर्स, वो बैचलर ख़त्म हो चुका है। बराए मेहरबानी जो 4 ईयर्स जो भी है वो काबिल कबूल होंगे। अब जो बीए बीएससी जिसने भी अब जो भी आदमी कर रहा है उनको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, बीए बीएससी कॉलेज साइड बैचलर अब ख़त्म हो चुका है, अब 4 ईयर्स है, 2 ईयर्स ख़त्म हो गए, अब 4 ईयर्स है। बड़ा मेहरबानी तवज्जो दें। जैसे कि नोटिफिकेशन प्रॉपर जारी भी हो चुका है, आप लोगों को वीडियो के आखिर में अब दिखा दूंगा। जैसे कि और भी बातें कि जो भी आदमी कर रहे हैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि यही बात एक भी और सुनिए, ये कि अगर जो आदमी बीएससी बीए वगैरह को 2 ईयर्स कॉलेज साइड करेगा, अब एक वाले उसे रिग्रेशन नहीं करेंगे, उसे काबिल कबूल नहीं करेंगे। इसी वजह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना आ रहा हूँ, अब वो डिग्री काबिल कबूल नहीं होगा। अगर जो भी आदमी करेगा वो काबिल कबूल नहीं होगा, 4 ईयर्स काबिल।